हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो जोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और अब मुझे पढ़ना था कुरान पाक। और ये जो रहल है, ये मुझे था कि आप लोग पे क्वेश्चन करेंगे मैंने कहाँ से लिया है। तो ये वाला मैंने जो है एंटीक शॉप से लिया था 2 साल पहले। तो ये बहुत खूबसूरत रहल है, इसके अंदर कुरान पाक बॉक्स के अंदर आ जाता है, मीन्स मिट्टी वगैरह नहीं पड़ती। लेकिन मैंने कुरान पाक सामने रखा हुआ है और ये है कि ये रहल जब मैं कुरान पाक पढ़ रही होती हूँ मैं तब इस्तेमाल करती हूँ। हाँ जी, अभी मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी थी तो मुझे कल और 1-2 दिन पहले भी मैसेजेस आए थे अबाउट माय नाइट रूटीन, के आप नाइट रूटीन बताएं, डे रूटीन शेयर करें, कि आप अपनी स्किन केयर के बारे में स्पेशली। तो मुझे था कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ ब्रीफली शेयर कर देती हूँ कि मैं नाइट रूटीन मेरी क्या होती है। मैं जब इशा की नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं खाना नहीं खाती, तो इशा की नमाज़ के बाद, नमाज से पहले जो मैं वज़ू करती हूँ, मैं प्रॉपर अपना फेस वॉश करती हूँ। एंड दिस इज़ माई फेस वॉश विच इज़ सोप एंड ग्लोरी। ये मैं बहरेन से लेकर आई थी अपने लिए। ये विटामिन सी वाला फेस वॉश है, अकॉर्डिंग टू माई स्किन है। खैर, ये ऑल स्किन टाइप के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे से ये देख सकते हैं ग्रैन्यूल्स हैं, मैंने अच्छा खासा यूज़ भी कर लिया। थोड़ा सा आप लेंगे अपने फेस को अच्छी तरह से, मैं इसको मसाज करती हूँ, समटाइम्स मैं स्क्रब भी करती हूँ, इससे तो नहीं करती, खैर आई हैव अ मशीन जो फेशियल वाली होती है, जो कि फेस वॉश करने के लिए होती है, उससे करती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास जो ग्लव है द बॉडी शॉप का, उससे मैं अच्छी तरह अपना फेस को स्क्रब कर लेती हूँ इसको लगा के। उसके बाद फेस वॉश कर लेने के बाद जो चीज़ मैं करती हूँ, सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ माय ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड का आप देख सकते हैं, ये मेरी पता नहीं कौन से नंबर की बॉटल, मुझे नहीं याद, 8वीं 9वीं तो होगी। तो दिस इज़ समथिंग जो कि टोनर है, जो कि रात को मैं यूज़ करती हूँ। बस मैं इसके ये ऊपर से ऑन खुलता और बंद होता है, तो इसके मैं थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स ले लेती हूँ और अच्छी तरह अपने फेस को टैप करती हूँ फेस वॉश करने के बाद, ड्राई होने के बाद। नमाज वगैरह जब मैं पढ़ लेती हूँ उसके बाद की मैं बात बता रही हूँ। उसके बाद ये होता है कि मैं इससे अच्छी तरह अपने फेस को टोन कर लेती हूँ टोनर से। टोनर इज मस्ट इन योर स्किन केयर, क्योंकि टोनर जो है वो आपके पोर्स बंद करता है, टोनर आपकी स्किन को ग्लो देता है, टोनर आपके डेड स्किन को खत्म करता है। उसको लगा लेने के बाद, इसके बाद मेरी जो उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है दैट इज माय एसेंस। एसेंस इज द बॉडी शॉप ऑयल्स ऑफ लाइफ का एसेंस मैं यूज करती हूँ, और ये भी 2-3 ड्रॉप्स आपके लिए बहुत इनफ होते हैं। अपने पूरे फेस को अच्छी तरह इसको कवर कर दें, देन 1 मिनट का पॉज दे दें ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैं लगाती हूँ, या तो मैं समटाइम्स अपना रूट्स ऑफ स्ट्रेंथ लगा लेती हूँ, या फिर मैं ये लगा लेती हूँ, दिस इज ये हाइलोरोलिक एसिड का जो है ना सिरम लगा लेती हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा रह गया। इसको लगा के अच्छी तरह मैं फेस को मसाज करती हूँ इन 2 फिंगर्स के साथ। ठीक है, इन 2 फिंगर्स के साथ, ये फिंगर्स आपने नहीं यूज करनी, मसाज हमेशा आपने इन 2 फिंगर्स के साथ करनी, क्योंकि ये लाइट होते हैं आपकी स्किन के ऊपर। इसके बाद आई यूज माई आई क्रीम। माई आई क्रीम आई डोंट नो, मैंने रात को यूज की और मैंने इधर की तरह उठा के रख दिए। मैं यूजली जो यूज करती हूँ दैट इज ऑयल्स ऑफ लाइफ का नाइट आई क्रीम। आई क्रीम लगाने के बाद अगर आपकी आईज पफिनस भी है आपकी आईज में, तो आप ये एल्डर फ्लावर वाला आई क्रीम भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी सुबह आईज की पफिनस को कंट्रोल में रखता है। जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने जाके 3 रेसिपीज बनानी है, एंड वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग, एंड तक आपने वीडियो देखनी, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ जो है वो सना सफीनास की शॉपिंग भी शेयर करने वाली हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जब मैं अपने फेस पे सिरम भी लगा लेती हूँ, तो अब मैं लगाती हूँ अपनी नाइट क्रीम। दिस इज माई नाइट क्रीम, और देख सकते हैं ये मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ। सब कुछ जो है ना इस तरह, मीन्स जब आप रेगुलरली यूज करते हैं तो ऑफकोर्स ये यूज ही होता है ना। तो उसके बाद मैं यूज करती हूँ लॉरियल का नाइट क्रीम यूज करती हूँ, दैट इज वेरी गुड नाइट क्रीम, रिंकल एक्सपर्ट। ठीक है, ये लगा लेने के बाद देन आई यूज माई लिप बाम। ये वाला लिप बाम मेरे पास, कोई भी लिप बाम आप यूज कर लें, लोकल स्टोर से मैंने लिया था, वैसे मेरे पास विटामिन ई वाला था वो खत्म हो गया। ये लगाती हूँ और उसके बाद मैं जो है ना अपने अच्छे हाथ और पैर जो है ना वो मैं ये बॉडी योगर्ट है जो कि बॉडी शॉप का ही है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल किसी भी ब्रांड का जो है ना वो बॉडी योगर्ट या बॉडी क्रीम या कोई भी क्रीम लेके, लोशन लेके आप अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से करके, तो उसके बाद सो जाती हूँ मैं और फिर मैं सहरी के टाइम उठती हूँ। तो ये थी मेरी नाइट रूटीन, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियरली समझ आ गई होगी। अब जाते हैं हम किचन, और किचन जाके मैंने आज बस अपने बहुत जबरदस्त किस्म की इफ्तारी बनानी। आज मैं बनाऊंगी चिकन पॉट पाए। आई नो इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द रमजान, जैसे हम फ्राइड चीजें खाते हैं ये बेक्ड होगा, बट बिलीव मी ये ट्राई करें, बहुत मजे की चीज है, बहुत नई रेसिपी होगी आप लोगों के लिए अगर आप लोगों ने कभी बेक चीजें नहीं खाई। मैं
रमजान में कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ फ्राइड ना बनाऊं, मैं बेकिंग भी करूँ, क्योंकि आई लव बेकिंग. यू नो, बेकिंग इज समथिंग जो मेरा स्ट्रेस रिलीव करता है. तो मैं अभी जाऊंगी, मैं बनाऊंगी एक बहुत मजेदार चना चाट की रेसिपी, समोसा चाट की रेसिपी. साथ में उनके पकोड़े, उनकी रेसिपी मैं आपसे नहीं शेयर करने वाली, वो डेली बनते हैं. तो मैं जो दो मेन रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बल्कि एक चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी. सो लेट्स गो टू द किचन. जल्दी जल्दी से वाइंड अप करती हूँ मैं किचन को, और जल्दी जल्दी से आपको दिखाती हूँ अपनी रेसिपीज. सो सी यू इन द किचन. हाँ जी, तो मैं आ गई थी किचन और अब मुझे बनानी है इफ्तारी. मैंने चने की दाल जो है, तकरीबन आधा कप चने की दाल सुबह भिगो दी थी और फिर उसको प्रेशर कर दिया था मीन्स कुकर में, और जब वो प्रेशर हो गई थी तब मैंने उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया. तो ये जो आपको पैन में नज़र आ रहा है ये चने की दाल है, और नीचे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था, पानी इसके अंदर मीन्स जब मैं उसको ब्लेंड कर रही थी तब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था. खैर, मैं बना रही हूँ समोसा चाट की, चने वाली जो चाट होती है वो बना रही हूँ. तो उसके लिए मैंने ये चने की दाल को पैन में डाला गरम करने के लिए. इसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं, जीरा डाल दिया है और नमक डाल दिया है, लाल मिर्चें पिसी भी डाली हैं, और इसके अलावा इसमें मैंने हल्दी शामिल कर दी है. ये वाली जो चना चाट है ना, ये आपको नॉर्मली जो लाहौरी चना चाट होते हैं ना, वो वाली रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँ. और इसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला डाला और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, ठीक है. और मैं अब इसको थोड़ा सा बॉईल करूंगी, बल्कि इसको मैं मिक्स कर दूंगी, क्योंकि ये जो मसाले हैं ना, ये इस तरह चम्मच से नहीं मिक्स होंगे, इसके लिए मुझे विस्क की ही ज़रूरत होगी. तो इसकी ग्रेवी जो बनती है ना, वो इस दाल से बनती है. ये ट्राई कीजिएगा रेसिपी, बहुत मज़े की है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी. खैर, इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, और अब इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चने. और चने जो है वो मैंने तकरीबन उबाल के पहले पैकेट्स बना लिए थे, तो आप कह सकते हैं कि 200-300 ग्राम के बराबर चने मैं इसमें शामिल कर दूंगी. और अब मैं इसको उबलने के लिए छोड़ दूंगी, और जब ये चने मेरे अच्छी तरह से उबल जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमारी चना की चाट की जो है ना, समोसा चाट की जो है ना, वो चने रेडी हो गए. और फिर आप अफ्तारी के टाइम जो है ना, चाट मसाला साथ रख सकते हैं. मैं आपको इसकी प्रॉपर प्लेट बताना बताऊंगी कि किस तरह से आप इसकी प्लेट बनाएंगे. सो खैर, चने हमारे बन गए थे, इसको मैंने साइड पे रख दिया था. हाँ जी, तो आप लोगों ने देख लिया होगा मैं बना रही हूँ चिकन पॉट पाए, और ये सेवरी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है. अगर ऑथेंटिकली आप बनाएं तो ये बहुत मज़े की बनती है. तो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. इसमें मैंने सबसे पहले जो यूज़ किया है वो है, मैंने इसमें मैदा लिया है तकरीबन 2 कप. उसके बाद मैंने इसमें बटर शामिल कर दिया, बटर मैंने लिया है 3/4 कप के बराबर बटर लिया है. इसके अलावा इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा और 1/2 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर. इंग्रेडिएंट्स दोबारा बता रही हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ इधर भूल जाती हूँ तो वो मैं नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी. इसके अलावा इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के बराबर नमक डाल दिया, अंडा डाल दिया, और अब मैं इसको ना ये जो मेरा चॉपर है इसके अंदर चॉप कर लूंगी. बिलीव मी, इस चॉपर में आप आटा गूंद सकते हैं, आप देख सकते हैं मैं किस तरह गूंद रही हूँ. लेकिन ये तो डो है ना, मीन्स जो क्रस्ट बनेगा इस चिकन पॉट पाई का, सीरियसली से मेरे मुंह में बार बार जो है ना वो एप्पल पाई आ रहा है. एप्पल पाई की रेसिपी चाहिए तो मुझे नीचे ज़रूर बता दें, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की बड़ी फेवरेट है. अच्छा जी, अब मैंने ना पानी फ्रीज़र में रखा हुआ था, और इस रेसिपी में 6 टेबल स्पून एग्जैक्ट पानी जाता है. पहले मैंने 4 टेबल स्पून डाला, और अब आप देख सकते हैं मैंने 2 टेबल स्पून और डाला. बस 6 टेबल स्पून पानी जाएगा और हमारी जो डो है वो रेडी हो जाएगी. इसमें कोई आपने जो है ना वो बटर को बहुत मीन्स ठंडा नहीं लेना, इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप बटर ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा. सो ये रेसिपी जो है ना, मैंने आपके साथ मीन्स पहले तो मैं ये सुबह ही बना लिया था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अभी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को एक ही गो में समझ आ जाए कि ये रेसिपी किस चीज़ के बारे में. पर ये डो बना के इसको मैंने फ्रिज में रख दिया. अब आप देख सकते हैं मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मशीन ने सारा काम किया. इसको बंद करके मैंने फ्रिज में रख दिया, ठीक है, दैट्स इट. अब मैं बना रही हूँ इसकी फिलिंग. फिलिंग के लिए जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल मतलब लिए 3/4 टेबल स्पून के बराबर. और अब इस ऑयल के अंदर मैं डाल दूंगी लहसुन कटा हुआ, मीन्स लहसुन डाल दिया, और मैंने चिकन शामिल कर दिए. तकरीबन आप कह सकते हैं 250 ग्राम के बराबर चिकन है. चिकन के छोटे छोटे से मैंने क्यूब्स काट दिए, ठीक है. ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि आपके घर के बच्चे भी खाएंगे, बिलीव मी. मेरे बच्चे आपको पता है सब्जियां शौक से नहीं खाते, बट इसमें वो खा लेते हैं, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना, बटर भी जा रहा है, मैदा भी जा रहा है, सब्जियां भी जा रही हैं, चिकन भी जा रही है, और ये एक फुल मील है, ठीक है. अच्छा जी, पैन मुझे छोटा लगा तो मैंने जो है इसको एक बड़े पैन में डाल दिया.
अब जो है मैंने क्या किया कि इसके अंदर मैंने इसको मैं सौते कर रही हूँ, साथ में मैंने इसके प्याज डाल दी, छोटी प्याज को बारीक बारीक चॉप करके डाला है। एंड मैंने इसको अच्छी तरह से सौते कर लिया कि प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगी और जो चिकन है ना वो अपना पानी छोड़ देगी। अब मैंने इसका पानी भी सुखाना है और इसके बाद मैंने इसके अंदर तमाम जो मैंने मेरे मसाले थे ना वो मैंने इसके अंदर शामिल कर देने। सबसे पहले मसालों से पहले मैं सब्जियां इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया है मशरूम, ठीक है, ये कैन मशरूम है, लेकिन मैंने संडे बाजार में जो है वो मशरूम देखे हैं, वो वहां पर मिलते हैं, बट दे आर लाइक 400-500 रुपीज का होता है, लेकिन आई थिंक अच्छे हैं, अगर आप इसको लाके तो उसको फ्रीज कर लें, नॉट अ बिग डील। पर ये मैंने, आपको याद है सर्दियों में सीरियसली रमजान आपका दिमाग काम नहीं करता, सर्दियों में नहीं बल्कि रमजान से पहले मैंने जो है ये गाजरे जो है वो कद्दूकस करके फ्रीज कर दी थी, तो वो मैंने तकरीबन इसमें डाल दी है। आप कह सकते हैं एक बड़ी गाजर को मैंने इस तरह कद्दूकस करके इसमें डाल दिया। अब मैंने सारी गाजर डाली, अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी कि इसका जो पानी है ना वो जो बर्फ बनी हुई थी गाजर ऑफकोर्स वो जो है ना थोड़ा सा सूख जाए। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो डाल दिए हैं उबले हुए मटर, ठीक है, मटर जो है मैंने उबाल लिए थे, अभी उबाल लिए थे। ये डाल लेने के बाद इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए और अब जो है मैंने आलू उबाल के चॉप करके वो इसमें डाल दिए और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मैदा, और मैदा मैंने इसमें डाला है तकरीबन आप कह सकते हैं 3 या 4 टेबल स्पून भर के, और अब मैं इसको भूनूंगी उस वक्त तक कि मैदा जो है ना वो थोड़ा सा कलर चेंज कर दे, उसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब ये यखनी मैंने डाली है, यखनी मैंने कैसे बनाई है, मैंने चिकन क्यूब्स, 2 चिकन क्यूब्स को पानी में डाल, गर्म पानी में डाल के मिक्स करके तो वो यखनी बन गई, वो मैंने इसमें एक तकरीबन 2 कप के बराबर डाल दी है, और इसको मैंने उबाल लिया कि ये अच्छी तरह से थिक हो गई। अब मैंने इसमें काली कुटी हुई मिर्चें डाल दी और लाल कुटी हुई मिर्चें डाल दूंगी, इसमें नमक जाएगा, आप चाहें ऑरिगेनो डाल दें, मिक्स हर्ब डाल दें, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं जो मेन जो इसमें मसाले जाएंगे वो सिर्फ है लाल मिर्च कुटी हुई और नमक एंड काली मिर्चें, बस आप देख सकते हैं ये कितना थिक है, मुझे इसी थिक कंसिस्टेंसी का चाहिए और इसको मैंने रख दिया साइड पे। अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ समोसा चाट के लिए चटनी, और मैंने ले लिया था इमली का जूस या पल्प आप कह सकते हैं, तकरीबन 1 कप के बराबर, उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया, और साथ में मैंने एक गुड़ की डली जो है ना वो कूट के जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। चटनी मैंने पहले बनाई थी लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें सौंठ और सौंफ डली थी, इसमें नहीं डलेगी। अच्छा, इसको जो है ना अब मैं उस वक्त तक पकाऊंगी कि जब तक जो है ये जो गुड़ है ये सॉफ्ट मीन्स इसमें डिजॉल्व हो जाए। अब मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें ना इसके अंदर बहुत खूबसूरत लगती हैं जब आप इसको सर्व कर रहे होते हो, ये बड़ी प्यारी, आपने ये अगर चना चाट खाई है तो आपको पता होगा रेड कलर की चटनी होती है उसके ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया है जीरा, ये भी बहुत प्यारा लगता है, और इसको क्योंकि वो रेड कलर की चटनी होती है इमली वाली तो इसको फूड कलर डालना बहुत जरूरी है, तो इसके अंदर मैंने फूड कलर डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि ये उबल रहा है, उबलता जा रहा है साथ साथ। अच्छा जी, ये इसके अंदर 3-4 मसाले मैंने डाल दिए। अब इसके बाद इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर पानी में घुला हुआ, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मैंने 1/2 कप वाटर में घोल के तो वो इसमें शामिल कर दिया, और आप देख सकते हैं अब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और ये इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। अगर आपने नमक डालना है तो उसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दें, काला नमक डालें तो ज़्यादा बेहतर है। चटनी हमारी हो गई रेडी, उसको मैंने रख दिया साइड पे। उस वक्त तक जब तक मैं चटनी बना रही थी हमारा जो बैटर है जो कि चिकन पॉट पाई का था वो ठंडा हो गया था, ठंडा करके डालना है, ये बात याद रखिएगा, गरम बैटर नहीं डालना। अच्छा जी, ये डो है ये आप देख सकते हैं, इसको मैं अब थोड़ा सा अपने हाथ से मसल लूंगी, और उसके बाद मैंने जो है ना इसको 2 टुकड़ों में तकसीम करना है, एक टुकड़ा छोटा होगा थोड़ा सा और एक बड़ा होगा, क्योंकि एक बनेगा बेस और एक बनेगा ऊपर का क्रस्ट। सो ये जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको अभी काट लूंगी 2 हिस्सों में, काट लेने के बाद मैं इसको करूंगी, इसको बेल लूंगी। पहले मैंने बड़ा वाला टुकड़ा बेला है, इतना बेला है कि वो जो मेरा पैन है जिसके अंदर मैंने चिकन पॉट पाई बनाना है वो उसके ऊपर बड़े आराम से मींस उसके नीचे हिस्से को कवर कर दे। तो ये वाला जो पैन है ये प्रेस्टीज का है और ये लूज बॉटम है, इसका बॉटम हट जाता है, बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैन फॉर पाई। अगर आप पाई बनाने के शौकीन है ना मेरी तरह तो आप ना ये वाला जरूर ले लें, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन बिलीव मी ये 6 साल से मेरे पास है और 6 साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ एंड ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। पर एनीवेज आप देख सकते हैं मैं इसके किनारों को पहले सही करूंगी, खींचना नहीं है आपने, ये बात याद रखना है, इसके किनारों को आपने सही करना है और इसकी किनारों की क्रस्ट सही करनी है, बीच में क्रस्ट, और इसमें कोई प्रिकिंग नहीं करेंगे याद रखिएगा, क्योंकि ये हम ब्लाइंड बेक नहीं करेंगे इसमें डायरेक्ट। ये अब मैंने इसमें डाल दिया, इसमें मैं डायरेक्ट इसका जो बैटर बनाया है मैंने चिकन पॉट पाई का वो मैं इसमें डायरेक्टली डालूंगी। ब्लाइंड बेकिंग क्या होती है, 10 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना होता है, इस
पाई में आपने इसकी बेकिंग नहीं करनी होती, ठीक है, वो कीश में करते हैं। अच्छा जी, जो बेकिंग करने वाले हैं उनको मेरी बाज़बान बिल्कुल सही तरीके से समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा जी, मैंने इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं मैंने फिलिंग डाल दी, फिलिंग शुड बी थिक, वाटरी रनी नहीं होगी, ठीक है। उसको मैंने साइड पे रख दिया, और अब जो ये जो एक और जो मैंने मीन्स छोटे साइज वाली डो थी उसको मैं बेल रही हूँ, और बेल लेने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो फैला देनी है, ठीक है। उतनी ही आपने डो काटनी है, बनानी है या बेलनी है जितनी की उसको अकॉर्डिंगली आपके जो पाए है उसके अकॉर्डिंगली हो। अच्छा जी, अब ये देख सकते हैं मैंने इसको दोबारा से, आप इसको अगर आप थ्री हिस्सों में इस तरह ट्राइंगल बना लेंगे ना तो ये बहुत अच्छे आराम से जो है ना आपका पाई की जो होती है ना क्रस्ट आराम से डल जाती है आपके पाई डिश के ऊपर। अच्छा जी, अब मैं इसको तेजी से जो है ना आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके किनारे अच्छी तरह से बंद करी हूँ। आपने देखा होगा मैंने पहले क्रस्ट को नहीं काटा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये बंद क्रस्ट बनती है, ऊपर नीचे बंद होता है। आप चाहें तो इसको स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं, बट मेरे पास सीरियसली इतना टाइम नहीं था, यू नो रमजान में आपका टाइम बिल्कुल भाग रहा होता है। तो मैं अब इसके किनारों को अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं छुरी से मैंने काट लिया, पहले जोड़ा फिर मैंने काट लिया, और इसको दोबारा से मैं दबा दूंगी, ठीक है। अब जो ये क्रस्ट पीछे से बच गई है ना, इस क्रस्ट का दोबारा से मैं पेड़ा बनाऊंगी और इस क्रस्ट को दोबारा से मैं बेलूंगी। और इसको बेल लेने के बाद आप कहेंगे मैं करूंगी क्या, इसको बेल लेने के बाद मेरे पास जो है ना ये बहुत प्यारे कटर्स हैं, ये लीव्स बने हुए हैं, ये स्पेशली ऑटम के या जब फॉल का सीजन आता है उसमें जब पाए बनती है ना, जो पम्पकिन पाए होता है ये उसके लिए होता है, उसके ऊपर लीव्स बना के पूरा डेकोर कर सकते हैं। मैं इस तरह से भी डेकोर करके डाल सकती थी बट मेरे पास सीरियसली टाइम नहीं था। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट कभी जब पाए बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को पाए डेकोरेशन भी बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। मैंने बहुत सारे डेमोज दिए हैं सीरियसली अपनी ज़िंदगी में पाए के, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खैर ये इस तरह आप देख सकते हैं ये कटर से जो है ना, मैं ये कटर आप काटते हैं उसके बाद उसको जब दबाते हैं तो उसके ऊपर इंप्रेशन आ जाता है पत्ते का। तो ये कटर बहुत अच्छे हैं, ये मैंने एक बेकिंग के पेज से मंगवाए थे एंड दे वर वेरी रीजनेबल, शायद 200-250 रुपए के थे। तो चार डिफरेंट लीफ के ये जो है ना मैंने काट लिए, और ये जो है ना अब आप देख सकते हैं आप किसी भी तरीके से इसको उस पर डेकोरेट कर सकते हैं, चार किनारे पे एक साइड पे चारों तरफ भी कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं दो नहीं थी तो मैंने जो है ना सिर्फ एक साइड पे जो है ना वो छोटे सी एक लेयर सी बना दी है इसकी, जो कि बहुत प्यारी लगेगी। खैर एनीवेज इसको जब डेकोरेट कर लिया, अब आप देख सकते हैं आप इस तरह डेकोरेट करें ये चारों तरफ या पतला बेल के तो चारों तरफ कर लें, ठीक है। अब इसके बाद ये कर लेने के बाद इसको जो है ना एग वॉश करना होता है, उसमें मैंने सिर्फ अंडे की जर्दी और थोड़ा सा दूध लिया है, और उसके बाद मैं ये थोड़े बहुत ड्रॉप्स गिर गए थे तो आई वाज लाइक इसको अपनी बेटी को बोल रही थी इसको क्लीन कर दो क्योंकि मुझसे फिर काम नहीं होता अगर साफ ना हो। खैर एनीवेज इसके बाद आपने सिंपल एक काम करना है कि इसको एग वॉश कर देना है, ठीक है, जो कि इस पूरे जो पाए है इसको बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर देगा, बहुत खूबसूरत कलर देगा। और इसके बाद इसको अच्छी तरह आपने हर जगह पे जो है ना ये लगा लेना है इसके ऊपर एग, ठीक है। और जो थोड़ी सी डो बच गई थी और थोड़ा सा बैटर भी बच गया था वो मेरी बेटी ने जो है ना वो प्याले में डाल के तो उसके ऊपर वो क्रस्ट लगा के तो वो एयर फ्रायर में बेक करेगी अपने लिए बाद में। वो कहती आई विल ईट इन सहरी क्योंकि उसको पता था कि ये बचेगा नहीं। खैर एनीवेज इसके बाद आपने इसमें हल्का हल्का सा प्रिक कर लिया क्योंकि ये जो है ना इसमें से स्टीम निकलती है तो फिर ये खुद ही क्रैक हो तो बेहतर है, थोड़ा सा आपने इससे छोटे छोटे से प्रिक कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको बेक करूंगी और मैं इसको बेक करने और इस पर काली मिर्च और मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। अब इसको मैं बेक करूंगी, सॉरी नॉट कुटी हुई लाल मिर्च, नमक। अब मैं इसको बेक करूंगी तकरीबन 180 to 200 डिग्रीज पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स, ठीक है। अगर आपको फील होता है ना कि ऊपर से बर्न हो रहा है तो इसका टेम्परेचर ना अगर 200 है तो 180 पे लें, ठीक है। ये हमारा जो है पिज्जा क्रस्ट, नॉट पिज्जा क्रस्ट, चिकन पॉट पाई जो है वो रेडी हो गया था एंड दिस इज द फाइनल लुक, और ये हमारा बन गया था। इतना मजे का ये चिकन पॉट पाई बनता है, बिलीव मी ये वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है। अगर आप अपने टी ब्रेक में सर्व कर दें, रमजान में बनाए, सीरियसली अपने गेस्ट को इम्प्रेस करें, अपनी फैमिली को इम्प्रेस करें, क्योंकि मैं बहुत बनाती हूँ तो मेरी फैमिली इतनी इम्प्रेस नहीं होती, बट ये है कि वो मेरे बच्चे बोलते जरूर, मेरे बच्चे तारीफ बहुत करते हैं कि जी मम्मा बहुत अच्छा बना था। और ये मेरी अफ्तारी जो है रेडी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको चना चाट जो मैंने बनाई थी, समोसा चाट, उसको असेंबल करने का तरीका बताऊंगी कि ये जो बाजार में मिलता है वो इस तरह होता है, आपने तीन चार टुकड़े कर लिए। अभी तो मैं सिर्फ एक प्लेट बना रही हूँ क्योंकि हमने एक एक प्लेट इस तरह सर्व करनी थी, अदरवाइज आप देख लें अगर आपने दो समोसे खाने तो दो समोसे खा लें। आई एम अवॉइडिंग समोसे लाइक एनीथिंग,
मैंने ये आप देखिए चना चाट इसके ऊपर मैंने डाल दी और यही प्लेट मैं यूज कर रही हूँ। कल आपने इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस की थी, मुझे गिफ्ट मिला था बट ये मुझे पता है कि चाइना मार्केट से लिया गया। इसके बाद ये गोल्ड प्लेटेड है, इसके किनारों पे ये बहुत खूबसूरत प्लेट है। सीरियसली कल भी मैं आपको बता रही थी मेरी फेवरेट है। इसमें आपने सारे लवाजमात डाल दिए और जो लाल वाली चटनी मैंने बनाई थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी एंड उसके ऊपर दोबारा से आप प्याज टमाटर डाल दें। इतने मजे की चना चाट बनेगी ना, आप लोग की फैमिली खुश हो जाएगी। और ये थी हमारी प्रॉपर अफ्तारी। ये तो खैर मैं जो मेरा हेल्पर है उसके लिए मैं प्लेट बना रही थी, तो मुझे था कि मैं उसी के लिए प्लेट बनाऊंगी तो मैं दिखा दूंगी। बाकी जो है सबने अपनी अपनी प्लेट खुद बना ली थी क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं प्याज टमाटर। तो ये अब मेरी बेटी जो है वो काट के दे रही थी चिकन पॉट पाई टू माई सन। और मैं दिखाती हूँ आपको कि ये नॉट मैं नहीं काट वो नहीं काट रही थी, मैं काट रही थी, मैं वो वीडियो बना रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि इतना बेस्ट ये कटेगा और इतना बेस्ट इसका जो है ना लेयरिंग है, मतलब ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये इसके अंदर आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरह से ये होता है। मेरे बेटे ने बिकॉज ही वॉज लाइक कि मैं चने से पहले ये ही खा लूँ ज़्यादा बेहतर है, तो मुझे था कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए ज़रा ये कट के कितना खूबसूरत लगता है, बिलीव मी बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए ज़रा, ये है जी पॉट पाए जो कि रेडी हो गया था। खैर हमने जब अफ्तारी कर ली, नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली थी, फिर मुझे जाना था बाजार। वहां पर मैं मेरा आज मीठा खाने का बहुत दिल चाह रहा था, तो मेरा पान खाने का असल में दिल चाह रहा था। और ये अफ्तारी के बाद देख सकते हैं कितना बचा है। तो खैर मैं पान खाया और अब मैं आपको दिखाती हूँ सना सफीनास की ड्रेसेस। हाँ जी, तो मैं जो है वो मैंने सना सफीनास के दो जोड़े मंगवाए थे जब ये अभी 23 मार्च की जो है वो आज़ादी सेल उनकी लगी हुई थी, और वो मैंने दोनों जोड़े अपनी सब्सक्राइबर के लिए मंगवाए थे और मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था। तो एक जोड़ा मैं टेलर को दे आई हूँ, सॉरी, और एक जो है वो मैं मेरे पास पड़ा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी वो जोड़ा जो कि मैं टेलर को दे के आई हूँ। सो दिस इज़ द बैग, एज यू ऑल कैन सी दिस इज़ सना सफीनास। सो ये बैग में आए थे, तो क्योंकि मुझे जल्दी है, मुझे है कि मैं पहले सारे कपड़े दे दूँ टेलर को इनके, ताकि ये कपड़े उनके मैं भिजवा दूँ और बाद में जो है ना मैं अपने कपड़े और बेटी के और फिर सबके ईद के कपड़ों पे काम करूँ। रमज़ान की रूटीन बहुत हैक्टिक होती है, आप फजर उठते हो और उसके बाद दिन कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं चलता, फिर सहरी होती है, फिर अपनी इबादत होती है, फिर अपना व्लॉग होता है विच इज़ माई जॉब, एंड खाना पकाना, बच्चों को देना, समटाइम्स इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो वही होता है कि वो सारी चीज़ें जो है ना बहुत हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत महीना है बट हेक्टिक होता है, ये रियलिटी है। तो उसमें यह है कि मुझे कि मैं इनके कपड़े पहले भिजवा दूँ ताकि फिर मैं ईद के कपड़ों का सारा अपना और बच्चों का काम स्टार्ट करूँ। तो पहले मैं वो जोड़ा आपको दिखाती हूँ कि जो जोड़ा मैंने उनका भिजवा दिया, मीन्स वो टेलर को दे दिया, नॉट भिजवा दिया, टेलर को दे दिया। अच्छा जी, तो जोड़ा जो था वो ये वाला था, दिस वन वॉज 5A, ठीक है, दिस वॉज 5A सना सफीनास 3-पीस सूट है ये, और ये आई डोंट रिमेम्बर कि कितने का मुझे पड़ा था। तो ये कि सेल पे है, अगर अभी देखें तो आपको उनकी ऑनलाइन जो है वो नजर आ जाएगा। तो ये उसका दुपट्टा है, दुपट्टे को पीको शिको मैंने करा दी थी, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये वाला इनका जो है वो प्रिंट है, इट्स जस्ट लाइक खाडीज प्रिंट, और ये दुपट्टा है। तो मुझे था कि ये दुपट्टा रेडी हो जाएगा, जब शर्ट सिल के आ जाएगी तो देन आई विल शो यू। फर्स्ट सूट तो ये वाला था एंड सेकेंड ड्रेस इज दिस वन, दिस वन। इसमें असल में दो कलर थे, जिसमें से दूसरा कलर था वो मैंने मंगवाने की कोशिश की बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। देन मैं इसके लिए इस देन आई डिसाइडेड कि मैं ये ले लेती हूँ क्योंकि लिलन चाहिए थी, सर्दियों के कपड़े उनको चाहिए थे। सो दिस इज द ड्रेस, दिस इज द ड्रेस एंड इट इज 12B, ठीक है, 12B। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए 2-पीस सूट है और कि किस तरह का है, लेकिन ये खूबसूरत है। इसका कलर कॉम्बिनेशन इज, सॉरी, द कलर कॉम्बिनेशन इज टू गुड। असल में मैं सारे कपड़े एक साथ ही ले गई थी और मैंने सबको पीको करा ली थी। तो ये दुपट्टा जो है, पहले मैं आपको दुपट्टा खोल के दिखाती हूँ, जैसे बनारसी के दुपट्टे होते हैं ना, इसकी वो लुक आती है। सॉरी मेरा गला खराब है, यू कैन फील इट, लेकिन इसकी लुक जो है ना वो बनारसी के दुपट्टों वाली है। जैसे बनारसी के दुपट्टे के ऊपर जो है ना इस तरह का होता है ना, जैसे अभी आपको बनारसी का ही लग रहा होगा। सो ये बहुत प्यारा है, और ये जो है ना, ये जो इनके दुपट्टे हैं लिलन के नहीं है, इट इज वेरी लाइट खद्दर, जो कि मेरा ये तो ब्लॉन है ना, मेरा जो विंटर का दूसरा सूट था आपको याद होगा, मस्टर्ड एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, उसका भी ये मटेरियल था। और ये इतने अच्छे दुपट्टे हैं कंपेरेटिवली लिलन के ये सर पे भी टिकते हैं और ये अकड़े नहीं रहते, ये बहुत खूबसूरत दुपट्टे हैं।
सो ये जो है वो दुपट्टा जो है वो एज यू ऑल कैन सी, ये इसका दुपट्टा है दोनों साइड पे। इसकी बहुत खूबसूरत सी जो है वो बॉर्डर है एंड इसकी ये एम्ब्रॉयडरी है, ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच है। ये दिखा दूँ मैं आपको, ये एम्ब्रॉयडर्ड इसका पैच है। ये इसी तरह का कलर है जैसे मैंने निशात से अपने लिए लिया था, वैसा ही कलर है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये इसकी एम्ब्रॉयडरी की पैच है। अब ये देखिए मैं किधर लगाती हूँ, इट्स अ बिग वन। और उसके बाद जो है स्टिल आई एम हैविंग फ्रॉग इन माई थ्रॉट, ये इसकी कमीज है। ठीक है, ये कमीज है एंड प्यारी है, इट्स ब्यूटिफुल, कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी ब्यूटिफुल ना। इस आम्ब्रे सा है, मतलब ऊपर पिंक है और नीचे जो है वो पर्पल है। ये देखिए ऊपर पिंक है और नीचे जो है ये आम्ब्रे है और ये पर्पलिश सा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इट्स सो ब्यूटिफुल, सी इतना खूबसूरत है इसका कलर। और ये इसी तरह का है, मतलब जैसे मैं अपनी सब्सक्राइबर के लिए सिलवाऊंगी, खुली सी कमीज एंड लॉन्ग सी शर्ट, सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल। इसका बैक दिखा देती हूँ, दिस इज द बैक। आई थिंक ये उन्होंने फ्रंट रखा है, जी ये फ्रंट है, फ्रंट इज वेरी ब्यूटिफुल, सी बहुत खूबसूरत फ्रंट है इसका, बहुत ही प्यारा है। अब वो मैं आप लोगों को सही से दिखा सकूं, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, सी कितना खूबसूरत है। और ये नीचे आम्ब्रे बना हुआ है, बहुत प्यारा है भाई, ये तो ग्रे से ज्यादा खूबसूरत कलर है। और ये इसके स्लीव्स हैं एंड यू कैन सी द स्लीव, सो ब्यूटिफुल, वो ही आम्ब्रे प्रिंट है, बहुत खूबसूरत सूट है। अगर ये अभी आप अवेल कर सकते हैं सो यू कैन गो फॉर इट, इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव। और ये बॉर्डर की पट्टी अगर शर्ट को लंबा करना चाहते हैं, लेकिन ये मैं फैशन पट्टी के तौर पे यूज करूंगी क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको यूज करूंगी, क्योंकि ऐसा प्रिंट नहीं है कि उसको मैं नीचे लगाऊ ना। तो ये जो है ये टू पीस है और इसके साथ मुझे ट्राउजर देखनी पड़ेगी। ट्राउजर्स मोस्टली मैं मुझे लाइमलाइट से मिल जाती हैं या लोकल स्टोर से भी मैं ट्राउजर्स ले लेती हूँ। तो वो ये होता है कि ये ट्राउजर इसकी मुझे, मैं सोच रही थी कि पर्पल कलर की लूंगी ताकि खूबसूरत लगेगा। सो खैर ये आज अभी मैंने श्रिंक करना है और श्रिंक कर लेने के बाद आज इंशाल्लाह ताला ये सूट और जो लाइमलाइट का दूसरा सूट था, आपको याद है जो उस दिन मैंने आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग की थी, वो मैंने दोनों दे देने। और इंशाल्लाह ताला विद इन दिस वीक मैं आपको लाइमलाइट का सूट, उनका सना सफीनास का एक और सूट है वो भी स्टिच होके आके वो दिखाऊंगी। उसके बाद इंशाल्लाह कल मैं आपको, क्योंकि जुम्मा होगा इंशाल्लाह ताला परसों, तो मैं आप लोगों के साथ अपना जो सूट है सना सफीनास का वो जरूर शेयर करूंगी, जो कि मैंने सिलवाए हुए और मुझे था कि मैं हर जुम्मे पे जो है वो नए सूट पहनूंगी। सो ये देख सकते हैं, इट इज लाइक ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच और ये बस आज जाएगा स्टिच होने। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, देखिए सीरियसली इस पे हाथ इतना प्यारा लग रहा है, कलर बहुत खूबसूरत है। मैं सोच रही हूँ अपने लिए भी ले लूँ, सीरियसली मैं अगर मुझे मिला तो मैं अपने लिए ले लूंगी, नेक्स्ट ईयर मैं सिलवा लूंगी, द कलर इज वेरी ब्यूटीफुल। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।